IPL 2023 की नीलामी में हमें काफ़ी सारे विदेशी प्लेयर्स वैसे तो करोड़ों में बिकते हुए नजर आए, लेकिन एक ऐसी कंट्री भी थी जिसका एक भी प्लेयर हमें इस IPL की नीलामी का हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आया था, और ये टीम थी पाकिस्तान की, जहां पर अब पाकिस्तान के प्लेयर्स की आप लोगों को IPL 2023 में एंट्री होते हुए देखने को मिल सकती है। कैसे, आज इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम IPL 2023 का टाइटल जीते तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। IPL 2023 में पाकिस्तान के प्लेयर्स को लाने की बात तभी से ही रही है जब से T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम का खराब परफॉर्मेंस रहा था। उस टाइम पर ये बातें निकल कर आई थी कि भारत को पाकिस्तान की जो गेंदबाजी लाइनअप है वो काफी ज्यादा अच्छी है, तो ऐसे में भारत को और भी ज्यादा मुकाबले खेलने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन क्योंकि भारत की टीम पाकिस्तान में जाकर मुकाबले तो खेल नहीं सकती है, तो ऐसे में एक ही ऑप्शन था कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को IPL में लाने की परमिशन दी जाए। लेकिन इस बारे में अब BCCI के सेक्रेटरी जय शाह की साइड से बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट निकल कर आई है, जहां पर जय शाह ने बताया है कि वो जो IPL फ्रेंचाइज BCCI को रिक्वेस्ट कर रही थी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को IPL में खेलने की परमिशन दी जाए, उनको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि BCCI का आने वाले सालों में कोई भी प्लान नहीं है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को IPL में लेकर आने का, और इस तरह से आप लोगों को पाकिस्तान के प्लेयर्स शायद कभी भी IPL में देखने को ना मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।